तो कल हमने सबनेटिंग हम कर रहे थे और हमने क्लास सी का एग्जांपल देख लिया था, और आई होप आपने घर पे प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, ना की हो तो एक बार कर लेना वीडियो देख के, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कल वाली ही दोबारा रिपीट कर लेना और वो एग्जांपल देख लेना करके। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के आपका होमवर्क नहीं चेक करने वाला, लेकिन हाँ कर जरूर लेना, क्योंकि वो आप ही को बेनिफिट देगा। ठीक है, मुझे तो नहीं देगा, आपको ज़्यादा देगा, क्योंकि मैं तो यहाँ कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा बेनिफिट यहाँ हो रहा है। और इसके साथ ही प्रैक्टिस जरूर करना यार, दो चार एग्जाम्पल ही जरूर कर लेना। ठीक है, ये शायद ये क्यों, ये आगे आपको कोई काम नहीं आएगा सबनेटिंग। ठीक है, कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि एक नेटवर्क बनाना है, सबनेटिंग करके दिखाओ, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप वहां चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। अच्छा, ये ऐसे है, वो ऐसे है, यहाँ पे ऐसा चलता है, तो वैसे चलेगा। ठीक है, बस इतना है, आपको कोई फॉर्मूले नहीं पूछेगा, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूले वगैरह तो ये इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन आगे जब आप फ्लोटिंग प्रोटोकॉल वगैरह करोगे तो वहाँ पे पता होना चाहिए /30 का मतलब क्या है, /31 का मतलब क्या है, /26 का मतलब क्या है। ठीक है, ये दो अलग अलग सब नेटवर्क हैं, तो ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोई हम वो फॉर्मूले याद नहीं करने नहीं आए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, वो फॉर्मूले वन टाइम अगर आप याद कर सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज जब आपका कहीं इंटरव्यू वो तब आप ये डिस्कस ये आपने देख लेना, रिवाइज कर लेना, लेकिन हाँ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो हमने कल क्लास सी का एग्जाम्पल किया था, अब क्लास बी का कर लेता हूँ मैं। एक सपोज करते हैं 172 160, ये कोई नेटवर्क है। ठीक है, और ये 2 बिट किसके, ये नेटवर्क है, नेटवर्क नेटवर्क और फास्ट में क्या होस्ट होस्ट, ये तो होता है क्लास बी में। और बाई डिफॉल्ट कितना होता है, 16 बिट किसकी होती है, नेटवर्क की यहाँ पे। ठीक है, 16 बिट नेटवर्क की होती है। अभी यहाँ पे आप 16 से क्या कर दो, इसको एक /17 कर दो, क्या कर दो, 17। 17 करने पे क्या होगा, देखो 17 करोगे तो होगा क्या, ये देखो मतलब 17 बिट किसकी है, नेटवर्क की है। ये 17 बिट किसको, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करनी है, तो पहली 8 नेटवर्क नेटवर्क ये तो फुल है। ठीक है, और ये लास्ट में जो बचा, यहाँ पे 8 बिट होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 बिट ले ली उसने कहाँ पे, नेटवर्क में, ओनली 1 बिट। तो बाकी सारी किसकी है, होस्ट की है, ये 0 0 3 रिप्रेजेंट कर दो होस्ट को, और लास्ट में तो सारी होस्ट का पार्ट है, यहाँ पे 8 बिट है होस्ट की। तो देखना ये क्या हो जाएगा, ये देखना फिर इसको, ये तो 255 255 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सारी बिट ऑन है, नेटवर्क नेटवर्क ऑन है, ये तो इसको अलग भूल जाओ। यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, ये बनेगा आपको 128, क्यों, क्योंकि आप ऐसे करो ना, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो ये क्या बनेगा आपका, 128, और लास्ट में क्या है, यहाँ तो 0, ये सारा तो 0, ये क्या बन जाएगा, सबनेट मास्क बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, क्लास बी का एग्जांपल लेंगे आज हम, ये 172 /16 बाय डिफॉल्ट होता है, हमें /17 पे निकालना है सारा डेटा। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क निकालो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब नेटवर्क निकालेगा सर, क्या फॉर्म होता है, 2 रेस टू द पावर में एन, एन का मतलब बोरोड बिट। तो यहाँ पे देखो बाई डिफॉल्ट तो 16 होती होती है, और 17 कर दी, तो 1 बिट बोरो तो किया, तो ऐसे इसको ना ऐसे लिख दो, नेटवर्क नेटवर्क, और यहाँ पे 1 बिट नेटवर्क के लिए, बाकी सारा होस्ट की 7 बिट है, और यहाँ पे होस्ट की तो है 8, तो कितना कितनी बिट ली है भाई, बोरो कितनी की है, 1 बिट बोरो की, ये तो होस्ट का पार्ट है, नेटवर्क 16 पहले था, 17 करने के लिए सिर्फ एक ही है ना, तो 2 रेस टू द पावर में 1, ये क्या आ गया, 2 आ गया, ये क्या हो गया आपका, सब नेटवर्क हो गया, दो सब नेटवर्क बनेंगे सिर्फ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका वैलिड आईपी निकालनी, वैलिड आईपी निकालने का फॉर्मूला 2 रेज टू द पावर में h -2। 2 रेज टू द पावर h का क्या मतलब है, h की बिट कितनी है, 8 और 7 15, 15 ही तो बची, 15 -2 जो भी है वो डाल देना इसे। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेंगे, और एक ब्लॉक साइज निकालते थे, ब्लॉक साइज आप कैसे निकालोगे, वो हम निकालते थे ना कि जहां पर भी आपका चेंज हो रहा है वो देख लो, वो देखो यहाँ पे जैसे ये तो कॉमन है, ठीक है, इनको बोल जाओ जो थर्ड ऑक्टेट में चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ देखो तो ये ऐसे चेंज 1 0 0 0 0 0 0 ऐसे ही है ना, तो लास्ट में 1 कहाँ पर है,
128 पर है भाई, 120 ये तो हम देखते थे कि 1 कहाँ पर है, लास्ट वाला, तो यहाँ पे सबसे एक्सट्रीम एंड है, तो ये इस पे वैल्यू कितनी आती है 128, तो ब्लॉक साइज आपका कितना हो जाएगा 128 का, ठीक है। बस ये चीज निकाल देते हैं, तीन चीज निकाल देते हैं, बस हो गया। तो सब नेटवर्क बना लो इसके एक बार, तो पहले तो वन सेवेंटी टू डॉट सिक्सटीन जीरो डॉट जीरो, और कितना हो जाएगा 172.16.0.128, ठीक है। दो बन गए, ब्लॉक साइज हो गया ना 128 का हो गया। बाद में लिख देते हम रेंज ऑफ आईपी, भाई रेंज ऑफ आईपी निकालने का 2 रेज 15 कितना होता है कोई बताएगा, रुको मैं इंटरनेट पे देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है कितना होता है। किसी को पता है तो बता दो, गूगल को भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0.1 से स्टार्ट होगा, ये 172.16 तो आएगा ही आएगा, कहाँ तक जाएगा, मैं टाइप करता हूँ। थ्री टू सेवन सिक्स एट, ठीक है, 2 रेज 15 होता है 3 2 7 6 8, और माइनस टू करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 2 7 6 6, ठीक है। इतनी आईपी आएंगी यार, सर इतनी आईपी आप यहाँ लिखोगे कैसे, वो लिखने का तरीका बता देता हूँ। देखो 170.01 से जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा भाई, 0.255 तक जाएगा, ये तक तो जाएगा 255, तो आगे मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है 255, मिनिमम जीरो होती है। अब आगे क्या होगा, आगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1.0, कहाँ तक जाएगा, ये 0.21 के बाद यहाँ पे जाएगा 2, सॉरी, ठीक है, 1 तो खत्म हो गया ना, अब 2 से स्टार्ट होगा, तो 0.255। एक एक ये गलत रख, 172.16 0.1 से जाएगा 172.16.0.255 तक पहुँचा, और ये भी तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ब्लॉक साइज, ये ब्लॉक साइज ये एडिशन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, अरे ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक करती है एक ब्लॉक साइज लिखने में, ब्लॉक साइज हमारा ठीक है 128, यहाँ डाल देता हूँ। देखो ब्लॉक साइज क्या होगा, एक तो होगा 172.16.0.0 है, चेंज कहाँ पूरा चेंज हो रहा है, थर्ड ऑक्टेट में, ठीक है। तो 128 यहाँ आएगा .0, जहां पर भी चेंज हो ना ब्लॉक साइज, तो वहां वहां ऐड करना भाई, ठीक है। अब ये देखो ब्लॉक साइज में ये 32766 आईपी थी, वो कैसे लिखोगे, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखो 0.1 से कहाँ तक जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा 0.255 तक, जाएगा जाएगा नहीं जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, 0.1 से लेके 0. ये वाली स्कीम है, ये वाली होगी कंप्लीट, ठीक है भाई। ये 1 से ले 255 हो गया ना, अब जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, ये यहाँ पे 0 की जगह जाएगा 1.0, फिर जाएगा 1.255 पे, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, अब कहाँ जाएगा 2.0 पे, ठीक है।
कहाँ तक जाएगा, 2.2 डबल 5, ठीक है, फिर क्या जाएगा 3.0 से 3.2 डबल 5, तो ऐसे कितनी बार चलेगा जब तक 3.2.7.6.6 IP ना हो जाए, और ये कब होगी, जब आपका 1.2.7.0 से लेके 1.2.7.2.5 ना आ जाए, ये होगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ऑक्टेट कहाँ से, नेक्स्ट सब नेटवर्क स्टार्ट होगा कहाँ से, 128 से, और ये भी जाएगा आपका कहाँ तक, 255 255, ऐसे चलता है। पहले क्या होता है, इसमें लास्ट वाला ऑक्टेट फुल होता है, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ऐसे चलता है इसमें, ठीक है, तो पीछे से आगे की तरफ चलता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूँ आपको। अब चलो स्लैश 16 लिया मैंने ना, 17 ले लिया, मैं स्लैश 18 को और करके दिखाता हूँ आपको, क्लास बी में ही। प्रैक्टिस करना, ठीक है, स्लैश 18 का करता हूँ। तो 18 पे सब नेटवर्क आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेटवर्क नेटवर्क और 2 बिट लोगे ना नेटवर्क की, नेटवर्क की कितनी, 2 बिट, बाकी 6 बिट किसकी, होस्ट की, और 6 बिट 8 8 तो यहाँ रहेंगे, ठीक है, एक एक दो ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट, ठीक है, दो ऑक्टेट यहाँ पे, तीसरा चौथा। तो ये देखना 2 रेस टू द पावर में एन, जो नेटवर्क की बिट अपने बोरो की, तो कितनी बिट है, 2 बिट है सिर्फ, तो 4 आ जाएंगे आपके, ठीक है। और वैलिड आईपी कितनी होगी, वैलिड आईपी 2 रेस टू पावर h -2 कितना है, 8 और 14, 2 14 -2, ठीक है। और ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा भाई, ब्लॉक साइज हो जाएगा, देखो नेटवर्क के 2 बिट है, 1 2, और ये 6 बिट इसकी, ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है, 64 होता है, तो ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, 64 बस, तो ठीक है, अब तो आप बना सकते हो। तो ब्लॉक साइज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 1.2.7.16.0.0 और 0.64, चार देंगे ना, एक बार सॉरी 64.0, थर्ड ऑक्टेट में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जाएगा 128.0, और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, कितना हो जाएगा 192.0, ये हो गया आपके 4 ऑक्टेट, 4 सॉरी सब नेटवर्क, 1 2 3 4, ओके। अब बात करते हैं रेंज की, देखो इसमें वैलिड आईपी के 2 रेस टू द पावर 14 आपका होता है, एक मैं कैलकुलेटर से बताता हूँ, 2 रेस 14 होता है आपका, सिक्सटीन थ्री एट फोर, ठीक है, और 16384 में से 2 माइनस, ये इतनी आईपी आएंगी भाई आपके पास, ठीक है। तो अभी होगा क्या, तो ये कैसे जाएगा, 16.0.1 से स्टार्ट होगा, और कितनी जाएगी, 0.1 कहाँ तक जाएगी, सबसे पहले तो जाएगी 0.2.5, ठीक है, फिर अब देखो ये 0.1 से लेके 0.2.3.4.2.5 तक पहुंचा, तो कहाँ, अब नंबर कहाँ था, 1.0 से स्टार्ट होगा, अब कहाँ तक जाएंगे, 1.2.5 तक जाएगा, अब 2.5 फिर फुल हो गया, फिर 2.0 से आएगा, अभी 0 वाले नंबर को फिल करेगा, 2.2.5, ऐसे करके कब तक चलेगा, जब तक 16382 ना आ जाए, ठीक है, 16382 ना आ जाए, तो 16382 है ना, ये आपका 256 से भी ना डिवाइड होता होगा, क्योंकि इतनी तो आईपी मिल रही है हमें, एक मिनट रुकना, 16 में डिवाइड 16 300 ये डिवाइड 25, देखो कहाँ है मेरा कैलकुलेटर, है दिखा देता हूँ ना आपको,
देखो टोटल कितनी थी, 16, 384 थी, ठीक है ना, 384 थी ना, प्लस में टू भी कर लेना नेट ऑफ एन हॉर्स को, और इसमें टोटल कितनी होती है, 256, टोटल टोटल है ना दोनों तरफ से, ठीक है, टोटल टोटल, वैलिड वैलिड छोड़ देना, एग्जैक्ट काउंट देखो कितना कितना वो बैठेगा वो देखा, निकाल लेते, डिवाइड बाय 256 कितना आएगा, 64, तो 64 बार जाएगा, ठीक है, 64 बार बार जाएगा, और फिर सही तो है, 64 का मतलब क्या है, यहाँ पे 63.0 आएगा और 63.255 जाएगा, ताकि अब नेक्स्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 64.0 से, और वो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड सब नेटवर्क जो कि वाकई में है, ठीक है। तो यार ये ऐसे ऐसे लिखना, अब ये बात ध्यान रख लेना, बस ये जो एक क्रम है ऑर्डर है ये पीछे से आगे चलता है, 0.1 है फिर 0.255 जाएगा, बस इतना ही फर्क है इसमें, और कोई फर्क नहीं है क्लास सी में, क्लास बी में, क्लास ए में। ठीक है, तो आप मुझे घर पे प्रैक्टिस करना, किसकी, फ्लैश 19 की, फ्लैश 20 की, फ्लैश 21 की, बस इन तीन की कर लेना, इनफ है, और वो मुझे दिखा देना एक बार, ओके। सेम एज इट इज क्लास ए की करोगे आप, ठीक है, क्लास ए में भी क्या करोगे, मैं चलो करके दिखा देता हूँ एक एग्जांपल, तो आपको सपोज करो जैसे 10.1.1.0 है, ठीक है, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट फ्लैश 8 होता है, अब आप फ्लैश 99 कर दो, फ्लैश 9 से क्या होगा, तो सब नेटवर्क आप निकालोगे, तो यहाँ पे तो एक ही होता है नेटवर्क का, और एक बिट आपने नेटवर्क की ले ली, बाकी होस्ट है 7, और इधर भी 8 बिट होस्ट किए हैं, इधर भी 8 बिट होस्ट किए हैं, तो 2 रेज टू द पावर में n कितनी है, 1, तो 2 ही बनेंगे सब नेटवर्क, ठीक है। ब्लॉक साइज वैलिड आईपी निकाल लो सबसे पहले, 2 रेज टू द पावर में h माइनस 2, 2 रेज टू पावर में h कितना हो गया, 8 8 16, 16 और 23, ठीक है, 2 रेज टू द पावर में 23 माइनस 2, अब ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 1 है ना, तो वो सीधा 128 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10.1. अगर ये कोई नेटवर्क है तो कितना जाएगा, ये 128 इसमें ऐड कर लेना, ये 129 हो जाएगा यहाँ पे, और 1.0, ठीक है, और इसके आगे वो वैलिड आईपी डाल देना, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाला ऑक्टेट फुल होगा, ये वाला, फिर ये वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इसमें आपकी काफी सारे यूजर्स बैठते हैं क्लास ए में, क्लास ए में आपके सबसे ज्यादा यूजर बैठते हैं, क्योंकि इसमें होस्ट की बिट काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो आप ट्राई करना क्लास ए का भी एक एग्जांपल कर लो, भले ही वो आईपी आईपी मत डालना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सबका, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ इससे मिलते जुलते, अब तो आपको ये पता है, देखो फ्लैश वैल्यू में दे रहा था कि 9 निकाल लिए, कितने सब नेटवर्क में हो गए, कितने ब्लॉक साइज हो गए, अब ऐसी रिक्वायरमेंट भी तो आ सकती है कि मैं आपको बोलूँ कि मुझे इतने होस्ट चाहिए, देखो इसमें तो होस्ट इतने सारे आ रहे थे, ठीक है, इतने, अब मेरी रिक्वायरमेंट हो सकती है ना भाई, मैं इतने होस्ट का क्या करूंगा, मेरी कंपनी में तो भी सिर्फ 10 होस्ट चाहिए मुझे, तो एक 10 चाहिए एक जगह, मुझे 40 चाहिए एक जगह, 20 चाहिए एक जगह, 16 चाहिए, मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर तो क्या वैलिड हर एक सब नेटवर्क में इक्वल नंबर ऑफ आईपी जा रही है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ आईपी जा रही है ना, अब ऐसा तो नहीं होता कि हर एक डिपार्टमेंट में आपको इक्वल नंबर ऑफ आपके एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम है तो आपको वहाँ कम आईपी की चाहिए, ज्यादा है तो वहाँ ज्यादा आईपी चाहिए, तो ऐसी फ्लेक्सीबिलिटी तो चाहिए ना, या फिर आप एक जनरल लाइफ में एक एग्जांपल से भी कवर कर सकते हो, ये कोई आपका हाउस है,
तो उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि उसके सारे जो भी रूम्स बाथरूम होते हैं उन सबका साइज कॉमन हो, ठीक है, कुछ छोटा होता है कुछ बड़ा होता है। तो ऐसे ही हमारे पास लाइक हम प्रैक्टिकल लाइफ में नेटवर्क में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास ये चार डिपार्टमेंट है, फिर ये कुछ फ्लोर है, इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, इधर भी 40 है, ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमेशा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ 200 हो सकते हैं, यहाँ 100 हो सकते हैं, यहाँ 50 हो सकते हैं, यहाँ 10 हो सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा होती है। तो आप फिर यहाँ पे आप कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसा सब नेटवर्क लोगे, सब रेटिंग कैसे करोगे, भाई यहाँ मुझे 10 चाहिए, 50 चाहिए, 10 चाहिए, 200 चाहिए, तो कैसे करोगे, तो वो हम देखेंगे VLSM में, उसे बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है, क्योंकि उसमें वेरिएबल है सब कुछ, ठीक है, वेरिएबल फिक्स नहीं है ना। और वहां पर क्या था, जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ होस्ट आ रहे थे उसे बोलते हैं FLSM। VLSM में क्या है, आपको ये इक्वल नंबर ऑफ होस्ट नहीं मिलते यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल चेंज होते रहते हैं, तो वही डिस्कस करते हैं। चलो अगर हमारी कोई कंपनी है, यहाँ पे 20 यूजर्स हैं, एक जगह 40 है, एक 100 है और दूसरी जगह 10, ऐसा हो सकता है ना, अब निकालो इनके लिए सबनेटिंग कैसे करोगे, भाई यहाँ मुझे सिर्फ 100 चाहिए, यहाँ 20 चाहिए, 40 चाहिए, 10 चाहिए, तो कैसे करोगे। तो इसे देखो होगा क्या, ये 100 है, 40 है, 20 है, 1 है, ठीक है, तो इनके लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, आपको होस्ट कितने रिक्वायरमेंट है, इधर देखो 100 40 20 100, सॉरी 10, आप इसमें स्टार्ट करना है, जो सबसे पहले हाईएस्ट हो ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ होस्ट जहाँ चाहिए उसको सबसे पहले लेना, ठीक है, यहाँ पे 100 है तो 100 को सबसे पहले लेना। तो देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है नंबर ऑफ होस्ट की, 100 है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ होस्ट निकालने का फॉर्मूला होता क्या था, 2^h - 2, यही तो होता था, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो 100 के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, कंडीशन तभी तो सेटिस्फाई करेगी, या तो इक्वल हो या फिर ज्यादा हो, तभी तो होस्ट आ पाएंगे 100। भाई 100 कब होस्ट आ सकते हैं, या तो केवल 100 हो वहाँ पे, 100 IPs हो, या फिर 100 से ज्यादा कुछ भी हो, तो 100 तो आ ही जाएंगे। तो ऐसे इधर है, इस फॉर्मूले में सेटिंग करके देख लो, इसकी इक्वेशन बना के, भाई ये वाली जो वैल्यू है 100 के इक्वल या फिर ज्यादा आनी चाहिए। अब देखो 2^h - 2, ये h की वैल्यू रख के देखो, 2^6 होता है कितना होता है, 62, 2^7 कितना होगा, 7 रखा तो कितना जाएगा वो, -2, ये हो जाएगा 128, और 126 हो जाएगा माइनस करके, और वो तो ज़्यादा है ही, तो फिर तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7, होस्ट आपके कितने आ गए, 7 आ गए, ठीक है, होस्ट कितने आ गए, 7 आ गए। अगर होस्ट 7 आ गए तो बाकी का बचा पोर्शन किसका है, नेटवर्क का, तो नेटवर्क 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 और होस्ट 7 बिट चाहिए, सिर्फ 1 बिट फिर भी बची, 1 बिट किसको दे दो, नेटवर्क को दे दो, 1 बिट किसको दे दो, नेटवर्क को दे दो। तो यहाँ पे देखना स्लैश कितना हो गया भाई, 8 8 8 बिट तो पूरी है, और 1 बिट यहाँ पे, और 7 किसकी है, होस्ट की, तो 8 से 24 और 1 25, 25 किसकी होगी, नेटवर्क की, तो स्लैश वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, स्लैश वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 स्लैश 25, ठीक है। अब तो भाई पिक्चर क्लियर है, स्लैश 25 होगा, अब तो सारी चीजें निकाल लोगे आप, सब नेट मास्क निकाल लो इसका, कितना बैठेगा, स्लैश 25 पे 255 255 255, और एक ही बिट 128, ठीक है, ब्लॉक साइज कितना निकलेगा भाई, ब्लॉक साइज तो वही है ना, देखो एक है ना, यहाँ पे लास्ट वाली बिट में चेंज हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रहेगा, ये किसका मतलब क्या है, 128 बस। और सब नेटवर्क कितने हो जाएंगे, 2^n में बोरोड बिट, भाई बोरो कितनी की है, चलो बोरोड भी, इसमें बोरोड भी नहीं निकालना आपको, तो बोरोड तब पता लगेगा जब आपके पास कोई नेटवर्क हो, क्लास सी का डिपेंड करेगा वो, क्लास सी का है, क्लास ए का है, क्लास बी का है, किसका है, ओके, सपोज करो क्लास सी का ही,
तो इसमें आपको सब नेटवर्क नहीं लिखने, तो देखो रेंज देखो क्या होगी, 128 है ना ब्लॉक साइज। सपोज करते हैं ये हमारा है 172, 168, 1.0, और यहाँ पे कितना जाएगा 128, ठीक है 128 का गैप हो गया ना। और आईपी कितनी थी हमारे पास, वो 126 होस्ट है, 126 ये तो हमारी गिवन रिक्वायरमेंट है 126 होस्ट की, वो 100 होस्ट की सॉरी, ठीक है 100 होस्ट की, लेकिन हमारे पास कितने आएंगे 126 आएंगे यहाँ पे, तो 126 डाल देते हैं, 1.1 से कहाँ जाएगा 1.125 तक जाएगा, 1.2 सॉरी 6 तक जाएगा ये, ठीक है 1.2 1.2 6 जाएगा। और आपकी 1.27 कितनी हो जाएगी, ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी ऐसे ही। और स्लैश वैल्यू कितनी जाएगी 25, स्लैश वैल्यू कितनी जाएगी 25। अब जो ये नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट ये 1.1 1.128, इसमें आप कुछ नहीं डालोगे, ये आपका सबनेटवर्क आपके सबनेटिंग के अकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा कि आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ये यहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। ओके तो आप देखना 40 है, तो 40 पे क्या होगा भाई, वो दिखाना रिक्वायरमेंट 2 रेज़ टू द पावर में H-2, ये ज्यादा होना चाहिए हमें, इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे कितनी जाएगी एच की वैल्यू, आप 6 64, ठीक है 6 हो जाएगी ना, 62 हो जाएगा ना, 62 दे दें 40 हो जाएगा, वरना जो जो 5 पे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 32 रहेगा, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 66 आ गई, तो क्या हो जाएगा नेटवर्क नेटवर्क और नेट यहाँ पे हो नेटवर्क पूरी बिट, और यहाँ पे नेटवर्क की 2 होस्ट की 6, स्लैश वैल्यू कितनी जाएगी 38 24 और 2 26, स्लैश हो जाएगा यहाँ पे स्लैश 26। अब ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 है ना तो 1 64 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 128 से आगे 1. कितना 192 से स्टार्ट होगी नेक्स्ट सबनेट, नेक्स्ट सबनेट देखिए इसमें क्या होगा 192 168, 1.129, और कितनी आईपी है भाई इसमें, इसमें आईपी है 62, ठीक है तो 190 तक रहेगा, और 1.191 अपनी ब्रॉडकास्ट आईपी जाएगी, लास्ट वाली, लास्ट वाली क्या हो जाएगी ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है ये क्लियर है, बताओ। सुनील क्लियर है आपको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है गेट, तो आपने वीएलएसएम भी देख लिया है, ठीक है, और एफएलएसएम भी देख लिया है, एफएलएसएम के आपने एग्जांपल भी देख लिया है इसके, प्लीज क्लास बी के एग्जांपल कर लेना और वीएलएसएम के भी एग्जांपल कर लेना, सेम फॉर्मेट है, क्लास बी में भी होगा, ए में भी होगा और सी में भी यही होगा, ठीक है। मैं आपको फिर कल ये प्रैक्टिस ना करवा के कल मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, हाँ इन न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे जो भी ये हैं सबनेटिंग वाले, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है फिर मैं कल आपको वैसा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है इसमें कोई डाउट ना हुआ तो, डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट हो तो वो क्लियर करूंगा, वरना मैं वैसे ही स्टार्ट करूंगा कल, फिर वैसे ही मॉडल मैं आपको बता दूंगा कल, ठीक है आज के लिए रिवाइज करो ये सबनेटिंग, इसमें मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा अभी ये, क्योंकि ये आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी इसमें, ठीक चलो ठीक है फिर, डाउट है तो पूछना, प्रैक्टिस शुरू कर लेना, क्योंकि ओके सर। सबनेटिंग आप ही के ऊपर है, जब हाँ जी, हाँ जी, तक आप खुद नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगी, ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू।